Very good morning, all of you. Today we are going to learn poem The Song of the Free, composed by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a great philosopher and thinker. In this lesson, Swami Vivekananda expresses his philosophy of Advaitvad and his faith in divine character. Human life is full of lot of miseries and complicated problems, but right now Swami Vivekananda inspires us to tackle the problem of human life. Human life is full of different kind of difficulties, pain and other complicated problems. He tells us that don't be afraid about the sufferings of human life. Go ahead, do your duty in a right way, and man is mortal, but he should follow his duty regularly and he should achieve his aim if you are human. इस पार्ट में जो पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री स्वामी विवेकानंद ने द्वारा रचित, उन्होंने इस पार्ट में ये बताया है कि आपके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां परेशानियां आए, लेकिन आपको अपने अंतःकरण पर भरोसा करते हुए और ईश्वर का सहारा लेते हुए कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। यह प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी ने इस कविता के माध्यम से हमें दी है कि हमें जीवन की कठिनाइयों में फंसकर अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य से विमुख व्यक्ति कभी भी जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं करता है। तो अब हम इसको लाइन टू लाइन पहले हिंदी जानेंगे, इसके बाद लाइन टू लाइन अंग्रेजी व्याख्या भी हम पढ़ेंगे। तो पहली लाइन है, द वुंडेड स्नेक इज वुड अनफर द फ्लेम इंस्टेड ऑफ द ब्लेज, द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेप। द वुंडेड स्नेक इज वुड अनफर, घायल सर्प अपने फन को फैलाता है। विवेकानंद जी बताते हैं कि घायल अवस्था में भी सर्प अपनी आत्मरक्षा में अंतिम समय तक अपनी आत्मरक्षा में अपने फन को फैलाता है। अर्थात ये लाइनें हमें बताती है कि हमें जो भी शक्ति है अंतिम समय तक हमें अपने शक्ति के द्वारा अपने उद्देश्य के लिए कार्य करना चाहिए। द फ्लेम इंस्टेड ऑफ द ब्लेज, अग्नि को कुरेदने पर, अग्नि के साथ छेड़छाड़ करने पर वह तीव्रता से जल उठती है। अर्थात मानव जीवन कठिनाइयों से भरा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक सर्प घायल अवस्था में भी अपने फन को अंतिम समय तक फैलाता है, अग्नि को कुरेदने पर वह तीव्रता से जल उठती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ आर्टिस्टिक लायंस रे, घायल से शिकारी के गोली या तीर से, घायल शेर जब रेगिस्तान में दहाड़ता है तो उसकी पूरी दहाड़
उस रेगिस्तान में गूंज जाती है, अर्थात वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो उसी प्रकार से एक कवि यहाँ पे बता रहा है हमें कि जिस तरह से घायल सांप भी अपने फन को फैलाने का प्रयास करता है, अग्नि को कुरेदने पर वह अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, और शिकारी की गोली या तीर से घायल शेर भी जब दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ पूरे रेगिस्तान में गूंज जाती है। ठीक उसी प्रकार से कवि हमें बताने का प्रयास करता है, प्रेरित करने का प्रयास करता है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हमें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति हमेशा सकारात्मक और प्रेरित होना चाहिए, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस तरह की बातों को अपनाना चाहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन अब हम देखेंगे। इन दिस लाइन्स पोएट सेज दैट अ इंजर्ड स्नेक स्प्रेड्स हिज हुड फॉर हिज सेफ्टी और सिक्योरिटी। एट द लास्ट टाइम ही मेक अ अटेम्प्ट टू सिक्योर हिज लाइफ। लाइक दैट मैन शुड ऑल्सो make a attempt all the time if he has a strength to do something, and like that the fire also gave a very horrible shape when it is disturbed by someone, and the injured lion when he roared in a anger his voices resound in a desert in a very high roaring voices produced by him। दूसरा स्टैंजा है, द क्लाउड पुट फोर्थ इट डेल्यूग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स बीस्ट। इन पंक्तियों में भी विवेकानंद जी कहते हैं जब जो है आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है, तो बादल भी प्रलयकारी वर्षा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। करें कि जिस तरह से आकाशीय तड़ित बिजली बादलों के बीच से अपनी चमक दिखाती है, तो बादल भी प्रलयकारी वर्षा करके भीषण वर्षा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर भी विवेकानंद जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे बादलों के बीच से आकाशीय बिजली अपनी चमक भयानक चमक दिखाती है, तो बादल भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रलयकारी वर्षा विनाशकारी बाढ़ का रूप जो है प्रदर्शित कर देते हैं। When the soul is still to it in most depth, जब किसी व्यक्ति की अंतरात्मा अंतःकरण की गहराइयों तक दुखी की जाती है, छेड़ दी जाती है, तो great one unfold their best, तो महान लोग अपने सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन करते हैं। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के जब अंतःकरण को ठेस पहुंचाई जाती है, उसका अंतःकरण जब हिल जाता है, झकझोर दिया जाता है, तो महान लोग जो है वह अपने सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन करते हैं। तो इन पंक्तियों में भी कवि ने कहा कि जैसे बादलों का सीना चीर कर जो है आकाशीय बिजली चमकती है, तो बादल भी प्रलयकारी वर्षा करके अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और किसी व्यक्ति की अंतरात्मा जब अंतःकरण की गहराइयों तक जो है दुखी की जाती है, तो महान लोग अपने सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से विवेकानंद जी कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतिम समय तक जो भी शक्ति आपने बची है उस शक्ति का प्रयोग करते हुए आप निरंतर आगे बढ़ते रहें,
और अपने जीवन में सकारात्मक विचारधारा के साथ ईश्वर में आस्था रखते हुए और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करते हुए निरंतर आप आगे बढ़ें। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। द क्लाउड पुट फॉर द डेल्यूज स्टेन हियर कोई डिस्क्राइब दैट क्लाउड started raining heavily when the lightning breaks the beast of cloud, then the cloud also started raining heavily and it shows a flood and it shows that cloud have a great strength. Like that when a man is hurt deeply, then the great man shows his best virtues and qualities and they gives his actual depth of knowledge. They shows actual depth of knowledge and the great man gave his actual power of knowledge and strength. तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा अभी दो स्टैंजा का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो ये दो स्टैंजा आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड।